ये भारी कितना है यार अभिषेक भैया है, क्योंकि भाई ये जो चीजें है ना ये पूरा वॉर्न आउट होने लग गई है। मारुति वगैरह लोगे ना तो वहाँ पर सिर्फ पन्नी मिलती है आपको, एक सिंपल पन्नी, पूरी गाड़ी अभी अंदर से खुली हुई है। क्यों? जय श्री राम सभी को, मेरा नाम है श्रीश और स्वागत करता हूँ आपका आज के इस वीडियो में, जहाँ पे आज के इस वीडियो में भाई साहब अपन बात करने वाले हैं BMW 520D के बारे में। अब ये जो गाड़ी आप मेरे सामने देख पा रहे हो ना भाई, ये 9 साल पुरानी, यानी कि ये है 2014 का वेरिएंट, और 2014 वेरिएंट 51,000 किलोमीटर चली है। भाई हर किसी को अपनी गाड़ी से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। आज अगर अपन बेचने जाए इस गाड़ी को तो 15-16 लाख रुपए से ज़्यादा कोई भी ऑफर नहीं करेगा। इनफैक्ट दिल्ली में तो 10-12 लाख रुपए में खूब भर भर के मिल रही है भैया ये गाड़ी। लेकिन अगर अपन इस गाड़ी के ब्रांड वैल्यू की बात करें, जिस कंडीशन में ये गाड़ी है ना, आराम से भाई साहब 60 से 65 लाख रुपए के आसपास फेस वैल्यू इस गाड़ी के आप कह सकते हो। मतलब एक तो आप 14-15 लाख रुपए में क्रेटा सेल्टॉस ले लो, और एक 14-15 लाख रुपए में आप ऐसी BMW लेके निकलोगे ना, तो ये बात आपको पता है कि भाई आज आपकी गाड़ी बिकेगी 15-16 लाख रुपए में, या फिर आप सेकेंड हैंड मार्केट में खरीदने जाओगे तो इतने की मिल जाएगी। लेकिन भैया देखने वाला ये दिखेगा कि यार अगले के पास 60-65 लाख रुपए की गाड़ी है, और है भी 5 सीरीज, तो भैया कहीं ना कहीं एक जलवा तो इस गाड़ी का भी रहता ही है। देखो अब 9 साल इस गाड़ी को हो चुके हैं ना, तो 9 साल जब गाड़ी चलती है तो थोड़ा बहुत कहीं से अड़ती बिड़ती भी है, थोड़ा वॉर्न आउट भी होती है चीज़ें, लेदर वगैरह भी थोड़ा पुराना हो जाता है, गाड़ी का कलर भी थोड़ा डल पड़ जाता है। तो उसी को आज हम एक नया जीवन देने वाले हैं, यानी कि हम कर रहे हैं रेस्टोरेशन। क्योंकि भैया जहाँ की ये गाड़ी है ना, मतलब राजस्थान की जो गाड़ी है, वहाँ पर आराम से 15 साल तक गाड़ी डीजल की निकाल सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल लीगल है। ऊपर से भाई 8-9 साल गाड़ी यूज़ करने के बाद में कहीं ना कहीं से, भले BMW या फरारी हो, व्यक्ति जिस चीज़ को रोज़ देखता है ना कहीं उससे थोड़ी सी बोरियत होने लग जाती है भैया। तो इसी गाड़ी में डालने वाले एक नई जान। तो गाइस ये है अपने अभिषेक भैया, जो कि मैं आई वॉन्ट डिटेलिंग हाउ कैन कस्टम्स में आप जान गए होंगे। तो अभिषेक भैया कौन सा मॉडल है, क्या कुछ आप इस गाड़ी पे करने वाले हो, सब चीज़ें बताओ। ये BMW 5 सीरीज 2014 मॉडल है, 520D। इसके हम लोग पूरा हाई ग्लॉस ट्रीटमेंट और अंदर के ग्रैब हैंडल के लेदर्स वगैरह फट चुके हैं, वो सब पूरा चेंज करने वाले हैं। अंदर एम्बिएंट लाइट लग रही है चारों डोर्स में, डैशबोर्ड पे, और फ्रंट बंपर और दोनों साइड फेंडर्स रीपेंट होने गए। नहीं तो मतलब जरूरत क्या थी? देखो गाड़ी की अगर अपन बात करें ना, देखने में तो एकदम मिंट कंडीशन लग रही है, पेंट वगैरह भी देखो मेरे ख्याल से सही लग रहा है। देखो इधर आओ, कहीं ऐसे कोई मेजर स्क्रैच वगैरह नहीं, एकदम बढ़िया। ये तो थोड़ा सा बंपर और फेंडर्स पे बहुत ज्यादा स्क्रैचेस डेंट्स वगैरह थे। अच्छा तो आप इस पे क्या रबिंग वगैरह करने वाले हो या क्या चीज? कंपाउंडिंग पॉलिशिंग पूरा। अच्छा कंपाउंडिंग पॉलिशिंग होगी, और कोई सेरेमिक वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ कंपाउंडिंग और पॉलिशिंग। ओके तो यहाँ पर यार लाइट्स वगैरह की अगर बात करें ना, 2014 मॉडल यार, उस हिसाब से लाइट्स कितनी प्यारी लग रही है ना यहाँ पर, येलो ये जो DRL आता है इधर की तरह, जो DRL गाड़ी के अंदर भाई 2014 के अंदर BMW वगैरह देने लग गई थी, DRL कितनी सुंदर लगती है देखने में यार, है ना। बाकी अगर ये गाड़ी आज की तारीख में बेचने जाए तो कितने की बिक जाए? ये गाड़ी की आज वैल्यू कोई 14-15 लाख रुपए ही मिलेंगे इसके। बताओ 14-15 लाख रुपए मिलेंगे। और इंजन कैसा कैसा है इस गाड़ी का? इंजन बहुत बढ़िया है, कल हमने चला के देखी थी इसको रात में, इंजन हाँ। बहुत अच्छा है, भागती है, पूरे थ्रॉटल पे पैर रखते ही है ना। तो यार जब इतना बढ़िया गाड़ी का इंजन हो और 14-15 लाख रुपए अपनी गाड़ी के मिले तो बेचने का तो कोई सेंस नहीं है यार। जर्मन कार्स की वैल्यू जल्दी गिर जाती है। हाँ बस वो एक वाली डीमेरिट है, लेकिन यार चलाने का फील तो आज 14-15 लाख रुपए में क्रेटा ले लो या फिर आप सेल्टॉस ले लो, उससे तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है यार। वही तो, उससे तो बहुत बड़ी ऑप्शन अपने पास ही हो जाता है, एवरेज भी। हाँ 15-16 का सिटी एवरेज दे रही है, और सबसे बड़ी बात इन गाड़ियों के मजे हाईवे के ऊपर है, कंफर्ट भी गाड़ी का तगड़ा है और हाईवे के ऊपर भी गाड़ी तगड़ी है। तो यार आप इंजन वे के साथ साथ आप बता रहे थे ना, इसमें कुछ एक फॉल्ट भी आया हुआ छोटा सा, वो क्या? तो वॉशर फ्लूइड का फॉल्ट वगैरह आया है। अच्छा अच्छा, छोटी छोटी चीजों के भी मतलब ये चीजें बता देती है, क्योंकि भाई क्रेटा वगैरह के अंदर, तो क्रेटा वगैरह के अंदर जैसे नॉर्मल अगर 15-16 लाख की कोई गाड़ी लो ना, उसका तो ये भी गायब हो जाए तो भी उसको कुछ पता नहीं रहे कि भैया कुछ हो गई। बाकी भाई ये देख लो, इसका ये जो बोनट है ना, पूरा हाइड्रोलिक्स अपन को देखने को मिल जाता है, और ये एल्युमिनियम मिक्स आता है इसके अंदर, है ना। हाँ बाकी अगर ये वाली गाड़ी अगर अपन चाहें तो पूरी फेसलिफ्ट 2023 मॉडल में हो सकती है। इन्हीं कस्टमर से हमारी बात चल रही है कि हम इसको F90 M Sport में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा M Sport में हो जाएगी, और इंजन की परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगी उसमें? नहीं नहीं, उसमें इंजन से हम कुछ नहीं, बस बाहर का फ्रंट फेशिया हम चेंज करेंगे। ओके तो उसका कॉस्ट कितनी आती है लगभग? उसकी कॉस्ट 2,80,000, 2,90,000, जिसमें उसकी हेडलाइट्स, फिलहाल तो गाइस मैं आपको बताता हूँ, देखो जो नॉर्मल वेयर एंड टेयर होता है ना, जैसे जो ये अपन जो जो चीजें सबसे ज्यादा यूज होती है, जैसे अपन सीट्स की बात कर ले, आज 9 साल इस गाड़ी को हो चुके हैं। भैया चली हुई कितनी है ये गाड़ी? अच्छा 51,000 ही चली है यार, बहुत सही चली है फिर तो, कमी चली है 9-10 साल के हिसाब से तो, है ना। तो भैया देखो ये वाली बात है, यहाँ पर गाड़ी अंदर से एकदम नीट एंड क्लीन है, पूरी गाड़ी अभी अंदर से खुली हुई है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है मेरे ख्याल से मूड लाइटिंग तो आती थी BMW में, है ना। इसमें सिंगल कलर, दो कलर आते हैं इसमें, जो कि दोनों अभी खुद से ही बंद है इसमें। अच्छा अच्छा, पूरा प्रॉपर OEM फिटिंग ही दे रहे हैं, जैसे नीचे नीचे चलता है ना प्लाइन, वो दिखती नहीं है,
और वो तो बहुत सुंदर लगती है, मतलब सिर्फ लाइट लाइट दिखेगी और बस, लेकिन वो स्ट्रिप नहीं दिखेगी। वेरी नाइस। तो भाई मतलब मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मतलब ये गाड़ी जो है कल तक तैयार हो जाएगी। अभी पूरा इलेक्ट्रिकल वर्क चल रहा है गाड़ी का, जैसे कि आप इंटीरियर डिटेलिंग का काम भी होना है। अच्छा, डिटेलिंग के अंदर क्या क्या करते हैं अपन? उसमें ये जो सीट पे स्पॉट्स वगैरह है, डैशबोर्ड पूरा क्लीन होगा, छोटे छोटे प्लास्टिक पार्ट्स है सारे, एसी वेंट, स्टीम वॉश, सब कुछ होगा। बाकी भाई ये देखो भैया, मतलब उस गाड़ी का गेट कितना थिक है यार, है ना, मतलब अंदर की भी बात करें ना, इसी चीज के पैसे हैं भाई। मतलब मारुति वगैरह की देखो, यहाँ पर डबल लेयर तो है ही, रबर का यहाँ पे, इस पे यहाँ पे डबल लेयर हो रहा है, उस पे ये रहा है। और ये अलग है भाई। और एक चीज होता है, मारुति वगैरह लोगे ना तो वहाँ पर सिर्फ पन्नी मिलती है आपको, एक सिंपल पन्नी। यहाँ पर ये देखो, ये वाला तो आपको प्रोटेक्शन मिलता ही है ना, और वो भी अच्छी तरीके से चिपका हुआ भाई। और ये वाला जो है आपको एक कुशन अलग देखने को मिल जाता है, जो मतलब प्रॉपर आपकी डैम्पिंग कितनी गजब हो जाती है, मतलब क्या साइलेंट कैबिन आपको उस गाड़ी मिलता है। और लेदर देखो भैया, लेदर की क्वालिटी देखो, मतलब 9-10 साल के अंदर बिल्कुल भी वेयर एंड टेयर नहीं हुआ लेदर के अंदर। वो छोटी मोटी वो जो 30 थी ना, वो दिखाऊं वहां पर जो आपने रख रखी है। तो गाइस ये देखो, ये इसका पूरा जो है अंदर का जो पूरा गत्ता वगैरह जो बोलते हैं ना, इसका अंदर का पूरा पार्ट ये हो जाता है, मतलब क्वालिटी वगैरह बहुत बढ़िया है। लेकिन ये देखो यहाँ पर ये जो चीजें है ना, ये पूरा वॉर्न आउट होने लग गई है। पूरी चीज बताओ उसके बारे में क्या है। ये वाला जो पार्ट है ना, इसका लेदर हम चेंज कर रहे हैं, क्योंकि यही सबसे खराब कंडीशन है, बाकी तो हम सारा क्लीन कर रहे हैं। इसका लेदर हम चेंज करवा रहे हैं। अच्छा, तो ये लेदर कितना कितना चेंज होगा? यार भारी, ये वाला पार्ट, ये भारी कितना है यार अभिषेक भैया, है क्योंकि इसमें फाइबर का है पूरा। ये देखो भाई, लॉक से लॉक्ड है, एक बार खोल दिया तो फिर जिसके पास लपेट है वही पैक कर सकते। भाई ये देखो कितना बढ़िया तरीके से काम हो रखा है, वेल्डिंग ऑफ ब्रैकेट, इंटीरियर लाइट सर्टिफाइड, मतलब BMW क्या गजब का काम करके देता है यार। पूरा अच्छी तरीके से फाइबर, पूरा अच्छी तरीके से काम हो रखा है। BMW का स्पीकर है ना ये? हार्मन कार्डन का है, BMW की स्टिकरिंग है, BMW की स्टिकरिंग है इसमें, है हार्मन कार्डन का स्पीकर। तो साउंड सिस्टम भी गजब होगा इस गाड़ी में। तो कितने साउंड, मतलब कितने स्पीकर है भाई? रखने में एकदम मतलब भाटे जैसा हो रहा है एकदम यार। ये तो है मेमोरी सीट का फंक्शन मिलता है तो भाई, स्पीकर से 12 स्पीकर है, 12 स्पीकर्स है ना। ये देखो भैया, ये वाला दिखाने के बाद देखो, इसके अंदर सिगरेट लाइटर वगैरह सब है। ये रियर डोर है भाई, और रियर डोर के अंदर सिगरेट लाइटर, ये देखो अभी तक प्रॉपरली काम करता है, देखो कोई ख़राब होने वाला सीन ही नहीं है इस गाड़ी में। और यहाँ पर भी ये पूरा सॉफ्ट टच है भाई, क्या प्यारा ट्रीटमेंट मिलता है। वैसे अगर ऐसी गाड़ी कोई अच्छी कंडीशन में 15-16 लाख में मिल जाए ना, भैया इसकी सर्विस कॉस्ट क्या आती होगी लगभग? तो यार 20-25 हज़ार तो कहीं से ज्यादा नहीं, क्योंकि मेरी सफारी की अगर मतलब 17 हज़ार अगर अपनी सफारी का आ सकता है SUV लगभग, तो यार थोड़ा बहुत कर लेंगे थोड़ा सा सहन, और क्या दिक्कत है। बाकी भाई मैं तो मतलब फिराक में यार, अभिषेक भैया कोई आपके पास ऐसी गाड़ी आए ना मुझे बताना, 15-16 लाख में तो अपन ले लेंगे यार, बहुत ही बढ़िया चीज़ हो जाती है भाई। बाकी अंदर से उधर से आके दिखाओ भैया आप। भाई देखो यहाँ पर इसका जो कांच है ना, कांच भी इसका जो UV टिंटेड आता है, और ये मेमोरी सीट फंक्शन है अलग ही गाड़ी में। तो भाई ये देखो यहाँ पे स्ट्रिपिंग का काम हो रहा है अभी, है ना। हाँ, तो बाकी सनरूफ वगैरह बढ़िया काम कर रहे हैं इसके, एकदम बढ़िया। तो आपने ये भी लेदर भी तो साफ करा है इसका भी? हाँ, अभी ये ऊपर वाला हमने क्लीन करा था। हाँ भाई यहाँ पर वो टेप लगा के दिखा रहे थे बिफोर और आफ्टर वाला सीन पूरा, तो वो शूट नहीं कर पाया अलग ही में। लेकिन ये देखो यहाँ पर ये कितनी गंदी हो रखी है अभी, और ये एकदम पूरी साफ, ये भी पूरा ऐसे साफ हो जाएगा, है ना, एकदम क्लीन। तो इसकी सीट कवर अगर अपन चेंज करना चाहें तो ऐसे कैसे हो जाते हैं वापस, मतलब सेम ऐसे OEM फिटेड टाइप के? इनसे सीट कवर की भी बात हुई, एक बार इनको अर्जेंट था इसलिए अभी गाड़ी क्लीन करके दे रहे हैं, इनको टैन कलर में सीट कवर लगवाने लग जाते हैं। तो टैन कलर तो फिर तो आगे भी टैन कलर करना पड़ेगा, टैन कलर में, है ना, पूरा टैन कलर में हो जाएगा। तो लगभग इस गाड़ी में जो अभी अभी आप काम कर रहे हो उसकी डिटेल बता दो कितनी क्या है अभी उसकी कॉस्टिंग। हाँ नहीं मतलब सिर्फ डिटेल बताओ पूरी, क्या क्या करोगे? हाँ हम लोग हाई ग्लॉस ट्रीटमेंट, हाई ग्लॉस ट्रीटमेंट, एम्बिएंट लाइट लगा रहे हैं, एम्बिएंट लाइट, हाँ, इंटीरियर डिटेलिंग कर रहे हैं पूरी, ऊपर हाँ, से ऊपर की रूफ, हाँ, सीट कवर्स, डैशबोर्ड वगैरह टोटल। इतने में तो अपनी गाड़ी पूरी एकदम ब्रांड न्यू हो जाएगी, है ना। फ्रंट बम्पर और दोनों साइड फेंडर रिपेयर हो रहे हैं, वो रीपेंट। और इसका पूरा खर्चा कितना आएगा? इसका पूरा खर्चा समवेयर अराउंड 50-55 हज़ार रुपए में पूरी, बस 50-55 हज़ार। भाई 50-55 हज़ार रुपए में जो है BMW जैसी गाड़ी जो कि 9 साल पुरानी हो, और एक तरीके से भाई गाड़ी मांगती यार एक टाइम के बाद में इतना मेंटेनेंस, तो कि यार जब गाड़ी इतनी ज़्यादा चल गई हो, 51-52 हज़ार किलोमीटर चल गई, 9 साल गाड़ी को हो चुके हैं, हर एक वेदर गाड़ी ने ना 9 दिवाली देख ली, मतलब गाड़ी ने भाई 9 होली देख ली। तो मतलब गाड़ी में अच्छी तरीके से काम हुआ है सब चीज़ों का, बढ़िया तरीके से चली भी है, रगड़ी भी है, और उसके साथ साथ भाई अपनी जिस हिसाब का वेदर है उस हिसाब से भाई पेंट के ऊपर भी जो असर पड़ा है ना, देखो कितनी डलनेस आ गई पेंट में। तो यार ऐसी गाड़ियाँ अगर चमकती भी रहे ना तो बढ़िया लगती है, तो गाड़ी में निखार एकदम बढ़िया रहता है। 50 और 51 हज़ार रुपये में गाड़ी का पूरा जीवन उद्धार हो जाए तो क्या बुरी बात है भाई। बाकी ये देखो, ये जो पूरा फ्रेम है ना गाड़ी के अंदर का, ये पूरा एल्यूमिनियम मिक्स आता है इसके अंदर,
बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल है भाई, बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। जो फील है ना इस गाड़ी का वो एकदम नेक्स्ट लेवल हो जाता है। तो भाई ये वाली बात है, बाकी एक बार पूरी गाड़ी बन जाए उसके बाद में आपको पूरी गाड़ी दिखाएंगे जो कल तक बन जाएगी। तो मिलते हैं भाई अगली वीडियो के अंदर, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद।